ब्रह्मांड की आदि शक्ति कौन है? तो जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता है, और वो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश चलाती हैं, और धरती पर पूरे ब्रह्मांड पर वो कंट्रोल रखती हैं, और धीरे धीरे समय के हिसाब से वो समय के हिसाब से धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय भी करवाती हैं। और जब वो उसके अंदर भी जब समय जाते जाते बहुत समय चलता है, पूरा ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, तो समय उसको पता लगता है कि ब्रह्मांड का 100 साल पूरा होने आए, तब वो पूरे ब्रह्मांड को महाकल प्रलय के, कल प्रलय, महाकल प्रलय करा के पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप कराने का काम भी उसका ही होता है। वो आदि शिव, मतलब ब्रह्मांड के शिव निराकार को भी डायरेक्शन देकर कि बोलता है ब्रह्मांड का महाकल प्रलय कर लो। तो आदि शक्ति ही, चाहे निराकार में ऊपर निराकारी जो लाइट के ऊपर माइट होती हो, या शिव आकारी की, शिव की शक्ति आकारी रूप में हो, शिवपुरी में रहने वाली शिव शक्ति, उसको ही ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहेंगे। और आदि शक्ति का एक रूप धरती पर हिमालय पर जो है वो पार्वती है, और शिव का एक रूप शंकर रूप में है, तो शंकर पार्वती दोनों धरती पर भी काम करते हैं, इसलिए शंकर को विनाश के लिए काम करता है। मगर जहाँ जहाँ शंकर विनाश नहीं कर सकता, असुरों को नहीं मार सकता, वहाँ आदि शक्ति ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, असुरों के, असुरों से रक्षा करने के लिए, असुरों को मारने के लिए महाकाली का रूप, काली का रूप भी धारण करके असुरों को मारती हैं। वो आदि शक्ति का काम है, आदि शक्ति बड़े बड़े असुरों को मारती हैं, कितने अलग अलग अवतार लेकर धरती पर, अलग अलग अवतार लेकर असुरों को मारती हैं, बैलेंस रखती हैं, पूरा ब्रह्मांड चलाती हैं, 14 लोक को चलाती हैं। इसलिए ब्रह्मांड को चलाने वाली पूरी आदि शक्ति ही सब कुछ है, आदि देव, आदि शिव, वो सब उसके द्वारा ही काम कराते हैं। और निराकार भी, वो निराकार तो निर्गुण निराकार भावातीत तो होता है, इसलिए वो ज़्यादा वो पिक्चर में नहीं आता। सारा काम का बोझ आदि शक्ति पर ही होते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने का बोझ आदि शक्ति पर ही होता है। इसलिए आदि शक्ति का गायन बहुत अलग अलग रूप में, जगदम्बा के रूप में, जगदम्बा के रूप में है, उसके अलग अलग आदि शक्ति के कई अवतार हुए हैं। नव दुर्गा के रूप में भी अवतार जो हुए हैं वो आदि शक्ति, भले वो पार्वती के द्वारा कराए हैं, जो धरती पर जो उसका अवतार होता है इनके द्वारा कराए, तो नव दुर्गा का भी अवतार आदि शक्ति का भी है। ये पूरे ब्रह्मांड अच्छी तरह चले, 100 ब्रह्मा का साल पूरा हो जाए, तब तक उसकी जिम्मेदारी रहती है। फिर वो आदि शक्ति आदि शिव में समा जाती हैं, और आदि शिव मना आकारी शिव निराकार में समा जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को महाकल प्रलय में पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप कर देते हैं।